बिहार का बेंगलुरु बनेगा, ये चार शहर दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर में स्थापित होगा आईटी हब। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ नाइन। बिहार के चार शहर जल्द ही बेंगलुरु की तरह आईटी हब के तौर पर विकसित होंगे। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार आईटी पॉलिसी बना रही है, वहीं दूसरी ओर आईटी सेक्टर में कार्यरत कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रही है। अब तक 819 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव मिले हैं। इसके मद्देनज़र दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और बक्सर में आईटी हब की स्थापना के लिए प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि विभाग के स्तर से निवेश के लिए प्राप्त प्रस्तावों का अध्ययन कराया जा रहा है। पहले चरण में चार आईटी हब की स्थापना करने की नीतिगत निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार मिलेगा। हाल में विभाग का जो प्रस्ताव आए हैं उसमें से दर्जन से अधिक कंपनी ने आईटी हब में निवेश करने की दिलचस्पी दिखाई है। खासकर दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और बक्सर जिले में प्रस्तावित आईटी हब में पूर्ण आईटी लोड पर लगभग 2.4 मेगावाट बिजली इस्तेमाल होने का अनुमान है। दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और बक्सर में स्थापित होगा आईटी हब। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने यह जानकारी दी है। आईटी सेक्टर का संगठन न्यूनाओं में कुछ 817 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव पर निर्णय शीघ्र होगा। इस संबंध में एक प्रेजेंटेशन तैयार कराया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेजेंटेशन में पटना में प्रस्तावित मास्टर आईटी हब के स्वरूप को भी शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया व बक्सर जिला जो है वहाँ पे आईटी हब बनाने की तैयारी हो रही है और तमाम प्रेजेंटेशन तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने पेश करने की बातें कही जा रही है। उसमें निवेश करने के लिए भी बहुत सारी कंपनियां तैयार हैं और अब तक 819 करोड़ से ज़्यादा के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। तो ये है बिहार के विकास की तरफ बढ़ती हुई कदम और आईटी में भी अब धीरे धीरे अपना पांव जमाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। अब बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ।